नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कतर के मामले में, एनओसी के मामले में। जी हाँ, चार पांच टॉपिक पे बात करेंगे, इनको आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर आप कंपनी में एनओसी किस तरह से ले सकते हैं, अगर कंपनी या नियुक्ता एनओसी आपको नहीं दे तो आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, क्या आपको नौकरी बदलने के लिए, जॉब बदलने के लिए एनओसी की ज़रूरत है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। आज भी बहुत सारी कंपनियां एनओसी नहीं देती हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या एनओसी, अगर कंपनी और नियुक्ता आपको एनओसी नहीं दे तो आप उनके खिलाफ में शिकायत कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एनओसी क्या होती है, जी हाँ, बिना एनओसी के आप क्या जॉब बदल सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या आप एनओसी या नहीं दे कंपनी या कंपनी के खिलाफ में गुप्त तरीके से शिकायत कर सकते हैं, इस पांच छह टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर आप कतर में जा रहे हैं या कतर में जॉब कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखिए भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको कतर से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एनओसी क्या होती है भाई, सीधी सीधी बात है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। अब ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहीं पर भी लागू होता है, ज़रूरी नहीं होता एक कंपनी के ऊपर लागू होता है। जैसे आपने देखा होगा, कहीं पर भी आपने लोन लिया है कोई गाड़ी पे, तो आपने लोन कंप्लीट कर दिया तो एक एनओसी लेनी होती है आपको। वो एनओसी आपके पास है तो आप अथोराइज हो कि आपका लोन कंप्लीट हो गया, किसी भी क्षेत्र में मान लो। तो एनओसी का मतलब ये होता है कि भाई आप मान लीजिए एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में काम करना है, तो पहले वाली कंपनी में काम कर रहे थे उससे आपको एनओसी लेनी होगी, वो एनओसी अगली कंपनी में जमा करवानी होगी ताकि वो अगली कंपनी मान ले कि भाई आप जिस कंपनी को छोड़ के आए उसको कोई हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसी को एनओसी बोला जाता है। जी हाँ, देखिए अगर बात करें सितंबर 2020 में कतर ने कुछ नए कानून बनाए थे, आपने बताया सैलरी से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे कानून कतर ने बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ शर्तों के साथ में, पहले क्या होता था कतर में कफाला सिस्टम लागू था, जैसे सऊदी में भी अभी चेंज हो गया, दुबई में पहले से चेंज है, तो अच्छी बात है ये सिस्टम होना ज़रूरी है। पहले कफाला सिस्टम था भाई, आप एक देखिए, इंडिया से आप कहीं कंपनी में गए, किसी मालिक के कहीं पर भी काम कर रहे हैं, उनके साथ में आपकी जमी नहीं, जॉब नहीं अच्छा लगा, सैलरी कम है, तो उसको अगर आपको छोड़ना होता था तो उसको छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ के दूसरी जगह लग जाते थे, उसको कैंसिल करके, या आप उसको अगर कंपनी छोड़ के भाग जाते तो वो इलीगल हो जाते, आप सबको पता है जो पहले ऐसे ही चलता था, या फिर उसको छोड़ के अगर आप दूसरी कंपनी में जॉब बदलते तो आपको उसके लिए आपको इंडिया आना पड़ता पहले, तो उसके ऊपर 2 साल का वीज़ा पहले कंप्लीट किए, पहले बीच में आ जाते तो 2 साल का बैन लग जाता, उसमें आप दोबारा विजिट वीज़ा में भी नहीं जा सकते थे। ये सिस्टम था कफाला सिस्टम, इसको कतर सरकार ने, एक श्रम मंत्रालय ने इसको हटा दिया सितंबर 2020 में। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ में इसको चेंज कर दिया है कि भाई आप किसी भी कंपनी को छोड़ सकते हैं समय से पहले, चे आपका वर्क परमिट भी कंप्लीट नहीं हो, उसको छोड़ के आप दूसरी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। जी हाँ, अगर देखा जाए तो आप किसी कंपनी को छोड़ते हैं तो अभी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है, यानी पहले वाली कंपनी के हो, आपको ये हाथ जोड़ने की, गिड़गड़ाने की, या उनसे सर्टिफिकेट लिखित में लेने की कि मैं दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ये सिस्टम बना दिया गया है, दुबई का लेबर लॉ बना, एक्ट 19, यानी कानून नंबर 19 के तहत में ये एनओसी की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सिस्टम हटा दिया गया है। चाहे आपका वर्क अग्रीमेंट, आपने जो कंपनी के साथ डील हुई, एग्जांपल के तौर पे समझें कि 2 साल का परमिट है, 1 साल के बाद में कंपनी चेंज करना चाहते हैं कंपनी में, लेकिन वर्क परमिट आपका अग्रीमेंट 2 साल का है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अग्रीमेंट चाहे आपका 2 साल का वैलिड हो या पड़ा हो, बीच में भी आप एनओसी नहीं लेके डायरेक्ट कंपनी चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, ये अच्छी बात है भाई, जो लोग कतर में काम करते हैं इसमें बेनिफिट ये होगा कि कंपनियां आपको सही तरीके से इज्जतदारी से रखेंगी, उनको पता है कि ये कंपनी छोड़ के चला जाएगा तो वो आपको देखभाल भी करेंगी, समय पे सब कुछ सही होगा। जी हाँ, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अगर कंपनी एनओसी नहीं दे, कई कंपनियां नाटक करती हैं भाई, तो क्या कंपनी के खिलाफ में आप शिकायत कर सकते हैं, यानी मुकदमा कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा अभी तक कोई नियम नहीं बना है कि कंपनी कोई मान लो आपको इजाज़त नहीं दे, एनओसी नहीं दे, वो नाटक करती है तो आप उसके खिलाफ में लीगल नहीं ले सकते, ऐसा कोई कानून अभी बना नहीं है। हाँ, आप कानूनी तरीके से उस मैटर को सुलझा सकते हैं, श्रम मंत्रालय में, लेबर कोर्ट में भी अलग अलग कानून अधिकारी बैठे होते हैं, उनके बीच में ये कॉम्प्रोमाइज़ करा के आप जॉब चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के खिलाफ में लीगल एक्शन नहीं ले सकते, ऐसा अभी तक नियम नहीं है। हो सकता है आगे ये नियम बन जाए कि कोई कंपनी आपको मना करती है, एनओसी नहीं देती है, तो उसके खिलाफ में आप मुकदमा कर सकते हैं, वो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल ये ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, आपको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि हाँ, एनओसी के बिना आप जॉब बदल सकते हैं, किसी भी कंपनी दूसरी में जॉब कर सकते हैं, नो डाउट। जी हाँ, ये ऑप्शन इसमें यह बताया गया है, लेकिन
आपको, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जिस नियोक्ता के पास जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी छोड़ने से पहले यानी जॉब बदलने से पहले उस कंपनी में आपको एक महीने पहले एक लीगल नोटिस देना होगा। जी हाँ, ये जो 2020 एक्ट 18 के बीच ऑप्शन में बताया गया है, कानून नंबर 18 में ये बात बताई है कि आप मान लीजिए इस कंपनी के पास, ए कंपनी के पास काम कर रहे हैं, बी में आपको ज्वाइन होना है, तो इस कंपनी को आपको एक महीने पहले लीगल नोटिस देना होगा कि भाई मैं जॉब छोड़ के उस कंपनी में जाऊंगा। ये बात आपको लिखित में देनी होगी उनको माइंड में ध्यान में लाने के लिए, समझ गए बात को। हालांकि ये मनमर्जी जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना, तो इससे पहले अगर ये होता था 2020 से पहले, तो भाई सीधा सीधा आपको या तो देश छोड़ना पड़ता था, या आप 2 साल के लिए बैन हो जाते थे, या फिर दोबारा से नई सिरे से वो कंपनी आपको वीज़ा भेजती, फिर आप उस देश में जा सकते थे। तो ये एक पंगे वाली बात थी, ये सिस्टम सही नहीं था, इसको अच्छी बात है कपाला सिस्टम बंद करके ये सिस्टम लागू कर दिया। हालांकि देखिए आज भी कई बहुत सारी कंपनियां हैं वो धमकी देती हैं, वो कानून 2020 से पहले का दिखाती हैं। जी हाँ, कौन सा कानून, जो कि आप हमारे पास से जाओगे हम आपको NOC नहीं देंगे, फिर हमको हमको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, आपको 2 साल का बैन लगा देंगे, ऐसी कंपनियां आज भी बहुत सारे वर्करों को धमकी देती हैं। इसलिए क्योंकि वर्करों को ये बातें पता नहीं है कि आप NOC के बिना भी जॉब कर सकते हैं। लेबर कैटेगरी के लोग भाई जो मजदूरी बेचारे करते हैं वो वहीं रहते हैं कैंपों में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आज भी कंपनियां धमकी देने का काम करती हैं, लेकिन डरने का नहीं, सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कतर सरकार ने कानून बना दिया तो कंपनियों की कितनी औकात है, समझ गए बात को। हाँ, NOC नहीं दे, नाटक करे तो इस पे मुकदमा तो नहीं हो सकता कंपनी के खिलाफ में, क्योंकि ये अभी ऑप्शन नहीं है। कानूनी तरीके से आप इसको सलाह लेके इस मैटर को सलटा सकते हैं, समझा सकते हैं, सुलझा सकते हैं। जी हाँ, अगर फिर भी आपको लगता है कंपनी के बारे में शिकायत करना चाहते हैं गुप्त तरीके से, जिसमें आपका नाम और पता कुछ भी नहीं जाएगा, आपकी आइडेंटिटी भी नहीं जाएगी, ये अच्छी बात है, तो कतर की जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, या फिर कंपनी आपको जॉब छोड़ने से, जॉब बदलने से, NOC नहीं देने से नाटक करती है कि नहीं तुझे मेरी कंपनी में काम करना पड़ेगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, ऐसा कुछ होता है बहुत सारे लोगों के पास में, तो वो आप कंपनी के खिलाफ में शिकायत कर सकते हैं। वे का जो लेबर लॉ का नंबर बता दूं, श्रम मंत्रालय, उनका नंबर है 16008। जी हाँ, इस पे हॉटलाइन पे भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर ये ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको 100% रिप्लाई मिल जाए। तो भाई कतर में जो लोग रहते हैं NOC से रिलेटेड, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 टॉपिक पे हमने बात की है, इनके तरीके से आप अपना समाधान कर सकते हैं। अगर कंपनी आपको NOC नहीं दे, नाटक करे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उनको लगता है बंदा निकलेगा हमारी कंपनी से, वो तनख्वाह आपको रोक लेते हैं, तो तनख्वाह रोकने का है कि या समय पे भुगतान नहीं करने का, कंपनी पासपोर्ट नहीं देने का, NOC नहीं देने का, कंपनी के पास कोई पावर कोई अधिकार नहीं है। कतर लेबर लॉ बता दूं 2020 एक्ट 19 के तहत ये प्रोसेस बताया गया है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी कंपनी नाटक करें तो पहले तो उनको समझा दो कि भाई इस तरह की से ये प्रॉब्लम है, आपको पता है कानून बना हुआ है, फिर भी आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, फिर भी नहीं है तो मैंने आपको नंबर बताया, टोल फ्री नंबर ये 16008 पे आप कॉल करके कंपनी के खिलाफ में शिकायत कर सकते हैं, लिखित में या फिर ईमेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय